नमस्कार दोस्तों, मुरलीधर फार्म यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो छोटे ट्रैक्टर में हमें कल्टीवेटर कैसे चलाना चाहिए और उसके जो कुछ सेटिंग है ड्राफ्ट लीवर का, और दूसरा जो दो चार ऐसी जो सेटिंग है वो आप अगर कर लेते हैं तो आपका जो जूता है वो एक समान होगी और आपका जो ट्रैक्टर है उसमें लोड भी नहीं पड़ेगा, और सेंसिंग है वो किस तरह से हमें बढ़ा सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा ट्रैक्टर है युवराज महिंद्रा, और इसके पीछे हमने 7 टाइन का कल्टीवेटर जोड़ रखा है और उसके ऊपर हमने 25-25 केजी के दो पत्थर भी रख दिए हैं, और इस पे अभी लोड भी ज़्यादा है और जो हमारा कल्टीवेटर है वो भी काफ़ी हेवी है, मतलब कि ये 90 या 100 केजी के आसपास इसका वजन होगा। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें हाइड्रोलिक सेटिंग है वो किस तरह से करना चाहिए और जो हमारा ड्राफ्ट लीवर और पोजीशन लीवर है वो किस तरह से सेट करना चाहिए और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। तो अभी आप देख सकता है ये हमारा जो पोजीशन कंट्रोल लीवर है, मतलब कि जो हमें जो हमारा हाइड्रोलिक है उसको ऊपर नीचे करने के लिए हमारा ड्राफ्ट लीवर है, जिससे हमें जो इम्प्लीमेंट की जो गहराई वो सेट कर सकते हैं। तो काफ़ी किसान भाइयों को ये पता नहीं होता कि हमें किसका उपयोग कब करना चाहिए। तो पहले हम ये पोजीशन लीवर के बारे में बात करते हैं। तो जब भी आप इम्प्लीमेंट है उसको आपको पूरा ऊपर उठाना है, मतलब कि हाइड्रोलिक को ऊपर या नीचे आपको जब भी करना है कि आप जब हमारी जो खेत की बाउंड्री है या इम्प्लीमेंट को आपको पूरा ऊपर उठाना है तभी आपको इनका उपयोग करना है इस तरह से। और जब भी आप इम्प्लीमेंट की जो गहराई है वो सेट करना है तो आपको इस तरह से आपको सेट करनी है, जहाँ पे आपका जो ट्रैक्टर है वो लोड फ्री चले वहाँ पे आपको रखना है। और दूसरा ये कि जब आप ट्रैक्टर चलाते हो और तभी मान लीजिए कि आपका ट्रैक्टर चलते ट्रैक्टर में लोड ले रहा है या टायर स्लिप होते हैं तो आपको इस लीवर को ऊपर नीचे नहीं करना है। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं कि ये लीवर को ऐसे ऊपर नीचे करते हैं और जब भी ये इम्प्लीमेंट है हमारा ज़्यादा गहराई पे चला जाता है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे ही रखना है। और जो ये वाला लीवर है, अगर मान लीजिए आपका कल्टीवेटर है वो ज़्यादा धंसने लगा या हार्ड ज़मीन आ गई तो आपको थोड़ा सा ऊपर ऐसे लेना है, तो इससे क्या होगा कि जो आपकी सेंसिंग है वो ज़्यादा हो जाएगी तो आपका कल्टीवेटर ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। और अगर आप इससे मान लीजिए कि आपने ये इस तरह से इसको सेट कर दिया और आप अगर इनको यहाँ तक भी ले जाएंगे तो ये क्या होगा कि एक पोजीशन पे आपका जो कल्टीवेटर है पूरा उठ जाएगा, तो उससे आपको कोई सेंसिंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने इस लीवर को नीचे ही रखा है और ये इस लीवर को आप पूरा ऊपर ले जाएंगे तो ये या तो पूरा ऊपर हो जाएगा या तो पूरा नीचे हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं होगा कि सेंसिंग का। तो आपको यही करना है कि इस वाले लीवर का ही सेटिंग करना है, और जब भी आपका ट्रैक्टर गहराई इम्प्लीमेंट है वो ज़्यादा गहराई पे चले तो आपको थोड़ा सा ही ऐसे ऊपर नीचे करना है चलते ट्रैक्टर में। इनको आपको तभी उपयोग करना है जब तो जब भी आप जो बाउंड्री है वहाँ पे या ट्रैक्टर को मोड़ने पे जब भी इम्प्लीमेंट उठा है तभी आपको इनका उपयोग करना है और इसको आपको सेट करके रखना है। और दूसरा है कि जब भी आप ट्रैक्टर चलाए तो आपको चलते ट्रैक्टर में ऐसे जो खेत में चलाते तब आपको हो सके तो RPM को ऐसे सेट करके ही चलाना है। अब आप जो पैर की रेस से चलाएंगे तो क्या होगा कि RPM ज़्यादा कम ज़्यादा होएंगे तो उससे आपका ट्रैक्टर अच्छी तरीके से चलता नहीं है, और दूसरा है कि उसमें डीजल भी ज़्यादा लेगा, तो आपको ये भी एक बात ध्यान में रखनी है। दूसरा मेन पॉइंट मैं आपको एक बताता हूँ कि अभी आप देखिए कि जो हमारा कल्टीवेटर है वो जो हमारी टोपलिंग है अभी आप देखिए ये मैंने नीचे वाले पॉइंट में रखा है जिसमें सेंसिंग है वो ज़्यादा मिलती है, और अगर आप ऊपर में रखते हैं तो थोड़ी सी सेंसिंग कम हो जाएगी। पर अभी आप देखिए कि जो हमारी टोपलिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, थोड़ी सी आधी इंच ये वाला पॉइंट है वो ऊपर है, तो आपको आपके ट्रैक्टर के हिसाब से ही अपने इम्प्लीमेंट है वो बनाने चाहिए। मैंने कई ट्रैक्टर में देखा है वो कि यही ट्रैक्टर है उसकी जो टोपलिंग की ये वाला पॉइंट है वो इतना ऊँचा है और इस तरह से नीचे क्रॉस में लगती है, तो इससे हमें सेंसिंग है वो कम मिलती है, मतलब कि आपको जो भी इम्प्लीमेंट बनाए वो ऐसी आपकी जो टोपलिंग है वो ये हो सके तो स्ट्रेट ही रखनी चाहिए, या तो थोड़ी सी अगर आप ऊपर ऐसे रख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी ऊपर है, तो
तो इस तरह से आपको रखनी है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं होनी चाहिए और ये वाला पॉइंट ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको इनको सेट करना है, तभी आपका जो ट्रैक्टर है वो अच्छी तरीके से चलता है। और दूसरा ये कि जो काफ़ी लोग कहते हैं कि जो महिंद्रा युवराज है उसका जो सेंसिंग है वो बहुत कम है और ये टायर स्लिप ज़्यादा करता है, तो कई लोगों ने मैंने देखा है कि जो ये वाला पॉइंट है वो इसको ऊपर लेते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर सेंसिंग बढ़ानी है तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि जो ये वाला इसका जो सेंसर का ये बोल्ट है इसको आपको खोलना है और ये वाली जो चौड़ी नोट है उनको आपको इस साइड दो या तीन जो उसकी जो चूड़ियाँ होती है उसको खोल देना है और फिर से जो पीछे वाली नट है उसको टाइट कर देना, जिससे क्या होगा कि अगर उसमें थोड़ा सा भी प्ले होगा तो निकल जाएगा और आपका जो सेंसर है वो ज़्यादा सेंसिंग करने लगेगा। आपको ज़्यादा भी नहीं खोलना है वरना क्या होगा कि ये कम लोड में भी सेंसिंग कर लेगा और आपका जो इम्प्लीमेंट है वो ज़्यादा आपको जितना गहराई पर चलाना है उतना नहीं चलेगा, तो ये भी आपको एक ध्यान में रखना है। तो अगर इसका आपको अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। आपको यही ध्यान में रखना है कि आपकी जो टोपलिंग है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, ज़्यादा ये पॉइंट ऊपर भी नहीं होना चाहिए नीचे। इस तरह से आपकी जो थ्री पॉइंट ये लिंक है आपको इस तरह से डिजाइन करनी है जब भी आप इम्प्लीमेंट खरीदे या बनवाए। तो मैंने जो ये वाला इम्प्लीमेंट बनाया है तो उसकी जो थ्री पॉइंट लिंक है वो मैंने हिसाब से ट्रैक्टर के हिसाब से ही बनाई है, क्योंकि जो इस तरह से थोड़ी सी ऊपर वाली जो इम्प्लीमेंट की जो उसकी साइज होती है वो बड़े ट्रैक्टर की होती है, तो ये आपको नहीं लेनी है। आपके ट्रैक्टर के हिसाब से ही आपको इम्प्लीमेंट के जो थ्री पॉइंट लिंक है वो बनाना है। और जो इसकी जो अगर आपके पास ये वाला ट्रैक्टर है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अभी तो मुझे नहीं पता है कि ये इसकी जो साइज है वो कितनी है, तो मैं अभी वीडियो में आपको जो साइज है वो पता करके मैं इसमें डाल दूंगा कि कितने इंच की यहाँ से यहाँ तक कितने इंच है। तो आपको अगर बनवाना है तो आप इस तरह से बनवा सकते हैं। और ये बहुत ही सक्सेस कल्टीवेटर है, मैंने ये 2 साल से चला रहा हूँ और जो हमारा ट्रैक्टर है वो बिल्कुल लोड फ्री चलता है और अभी मैं लो के तीसरे गियर में चला रहा हूँ और 1500 RPM पे, और इसमें जो मुझे एवरेज मिली है वो 1 लीटर के आसपास ही मिली है और 1 घंटे में ये दो बीघा या आप 1 एकड़ से थोड़ा सा कम मान सकते हैं कि इतना वो 1 घंटे में चला देता है। और अगर आप हाई के पहले गियर में चलाते हैं जो युवराज में क्या है उसमें थोड़ी स्पीड ज़्यादा मिलती है, तो उसमें क्या होगा कि आपको RPM एक तो 1700 या 1800 RPM पे चलाना पड़ता है, और दूसरा है कि उसमें कल्टीवेटर है वो एक समान नहीं चलेगा क्योंकि जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है, जिससे ट्रैक्टर है वो ऊपर नीचे आपका जो है जंप ज़्यादा करता है और आपका जो कल्टीवेटर है वो एक समान नहीं चलेगा। तो मेरी सलाह यही है कि आप तीसरे के लो में ही चलाइए, जिससे आपका जो ट्रैक्टर है वो बड़ी अच्छी तरीके से चलेगा। थोड़ा सा समय है वो ज़्यादा लेगा पर आपका जो जूता है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से और एक समान होगी। तो और मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ कि किस तरह से हमें कल्टीवेटर चलता है। और दूसरा ये कि ये सेंसिंग आप देख लीजिए कि किस तरह से सेंसिंग करता है, बिल्कुल मेसी की तरह ये सेंसिंग करता है। तो मैंने इस तरह से इसकी जो सेंसिंग है वो सेट की है, तो अगर आपका इसके बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये ट्रैक्टर है वो चलता है और हमारा कल्टीवेटर है वो किस तरह से चलता है।